अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है स्पेस 3D। इसमें आपको काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी, कमाल का यहां पे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और यहां पे आपको 3D आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क आइकन, बैटरी आइकन में भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और भी कमाल की यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखते रहें, स्किप ना करें क्योंकि थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर शो होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको थीम का पासवर्ड पता नहीं चलेगा। फिर बाद में कुछ दोस्त कमेंट्स करते रहते हैं कि थीम का पासवर्ड क्या है, तो भाई थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर शो होता है। आप मेरी मेहनत को सपोर्ट किया करें, आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते, स्किप कर देते हैं, तो भाई मैं आपके लिए जो है नई थीम्स लेकर आता रहता हूं, तो आप मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो जो है 5 से 7 मिनट की होती है, कुछ ज़्यादा लेंथ ही नहीं होती, तो आप उसको ज़रूर देख लिया करें। थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर ही शो हो जाएगा। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थीम को परमानेंटली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से थीम फाइल को डाउनलोड करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। थीम का पासवर्ड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, उसके बाद आपने ओपन कर लेना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपने जाना है फोन स्टोरेज में, जहाँ पे आपने थीम को डाउनलोड करके रखा होगा। फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है, मेरी थीम यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इस तरह की फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पे जिप फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। पासवर्ड देकर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उस थीम पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको इस थीम का कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ट्राई मी एंड बाय। तो ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एक एरर आपको देखने को मिलता है। इसको बाईपास करने के लिए आपने IMod प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप कर देना है, थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने रिसेंट ऐप से तमाम ऐप्स को किल कर देना है, थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, कोई भी यहाँ पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। थीम की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू नेटवर्क आइकन भी देखने को मिल जाएगा। 3D आइकन पैक आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा और नोटिफिकेशन पैनल का लुक भी आपको 3D यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको तमाम न्यू आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी लुक आपके डिवाइस को ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस की सीख पर भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सेटिंग इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तमाम यहाँ पे आपको न्यू आइकन्स देखने को मिल जाएंगे सेटिंग इंटरफेस के अंदर। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड पे आपको वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हर सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। फाइल मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। फ़ोन स्टोरेज में फोल्डर्स का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। डायल पैड का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डायल पैड नंबर्स भी चेंज देखने को मिल जाएंगे और कलरफुल यहाँ पे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। लास्ट में बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और उसके साथ जैसे आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रिवॉल्विंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप दोबारा टैप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और जैसे आप टैप करेंगे तो ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। और लेफ़्ट पर जैसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको रिवॉल्विंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और शॉर्टकट कीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कमाल की यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल रही है आपकी डिवाइस के अंदर। आप इस थीम को ज़रूर अप्लाई करें और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में इस तरह की थीम्स हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।